फोटो लगे। कांग्रेस कहती हो कि जैसे आप बीजेपी की भी टीम है, केजरीवाल भी बीजेपी की भी टीम है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उसको लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, उसको राइट इलेक्शन लड़ने का। पॉलिटिकल पार्टी को एनजीओ तो नहीं है, इलेक्शन लड़ेगी, हमारे खिलाफ लड़ेंगे। क्या मेरे खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ती इलेक्शन? क्या मैंने कभी कहा कि कांग्रेस वो फला टीम है? मैं तो कहता हूं आओ मुकाबला करो मुझसे। केजरीवाल की राजनीति कैसे देखते हैं आप? अभी केजरीवाल हो, केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी के नक्शे खत्म पर जा रहे हैं। यही कांग्रेस कहती है कि आप भी बीटी में, आप कह रहे हैं वो नक्शे कदम नहीं। देखिए, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कहिए। बिल्किस बानो पर कोई कहेगा, उनके मंत्री का एक स्टेटमेंट मीडिया ने पूछा तो बोले कि नहीं, बिल्किस बानो पूछा गया तो कहा कि हमको स्कूल कॉलेज टीचर से मतलब है। बिल्किस बानो की अगर बेटी जिंदा होती तो आज कॉलेज जाती वो, मगर आपने बिल्किस बानो को मुस्लिम इशू बना दिया। बिल्किस बानो देश का इशू है, इंसाफ का इशू है। आइडियोलॉजी क्या है आपकी? आप तो देश को बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर नहीं है, हम भी हैं उस पर, कि कांग्रेस पार्टी कम है। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज भी कर रही है। जो धर्म संसद छत्तीसगढ़ में हुआ, किसने करवाया धर्म, जिसमें अनाप शनाप बका गया महात्मा गांधी के बारे में, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो ये आइडियोलॉजी के ऊपर आप कहां है देख लीजिए। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, गुजरात चुनाव में ओवैसी अपनी पार्टी को कहां देख रहे हैं? ये हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर अहमदाबाद में है, गोधरा भरूच मुडासा में है, जनाब साबिर काबुलीवाला साहब और हमारी पूरी एमआईएम की टीम बड़ी मेहनत कर रही है। हम भी जा रहे हैं, उन ताउन कर रहे हैं, हम भी कोशिश का हिस्सा बन रहे हैं। हमने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुजरात की जनता हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कुमार साहब, टीवी 9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब।